सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी स्माइल पता है पीछे की वजह से आ रही है। पीछे बोल रहे हैं मम्मा मैं भी आपके साथ बैठ जाऊँ, तो हमने बोला कि हाँ बेटा आप भी बैठ जाओ। सो फ्रेंड्स, मेरी स्माइल से आपको पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ही अच्छी सी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आई हूँ। न्यूज़ क्या, एक खुशखबरी है जो कि आने वाली है हमारे घर पे। बेबी तो आपको पता है, ये बेबी तो आने वाला है, बट यहाँ पर चीज और है कि जैसा कि आपको पता है मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है, और उसी मतलब कंप्लीट होने पे मेरे घर से मेरी फैमिली आने वाली है। और फैमिली में कौन कौन आने वाला है बोलो। मायके से कितने खुश हो जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पता मम्मी को भी बोला, अपनी सासू मम्मी को बोला कि आप तीनों दीदियों में से किसी को बुला सकते हो, बट उन्होंने बोला कि कोई नहीं आएगा। तो फिर अश्मि जी ने बोला कि आप अपनी फैमिली को बुला लो, ऐसा है ना, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, नीचे लेते हुए। सो फ्रेंड्स, मेरी फैमिली आने वाली है, फैमिली वो मैं आपको बताती हूँ। क्या था ना कि अभी क्या है ना, पिछली बार तो क्या हुआ, अश्मि जी ने मैंने एडजस्ट कर लिया, विशु नहीं थे तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने कवर किया कि क्या करना है, कैसे करना है, पता भी नहीं था एक्चुअल में कुछ चीज़ें। तो हमने फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, और हमने अच्छे से उस चीज़ को कवर भी किया। बट अभी क्या है, हमारे साथ एक छोटा सा बेबी है और हमारी मदर इन लॉ भी है साथ में, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ, जो कि करना इम्पॉसिबल है अभी। अभी हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना, एक ग्लास पानी लेने में भी या कुछ भी करने में भी। सो इसी बेस पे हमने सोचा, अश्मि जी ने मैंने डिसाइड किया कि घर से किसी को बुलाते हैं, और डिसाइड भी क्या किया, मेरी मम्मी जो है उन्होंने खुद भी बोल दिया था कि मैं आ जाऊँगी, आप जब भी बुलाना चाहो। तो मम्मी ने जब बोला कि मैं आ जाऊँगी, तो साथ में रेडी हो गए हैं मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरा छोटा सा भतीजा कृष्णा। सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं कृष्णा के लिए, कृष्णा भी आने वाला है। सो मेरी फैमिली से सभी लोग आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी हूँ कि इस बार आई डोंट नो कैसे होगा। आपको पता है, आपने अगर मेरा प्रेगनेंसी वीडियो देखा है विशु वाला, सो आप मैंने उसमें शो किया है कि मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटिव कोई भी वीडियो नहीं देखा था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इंटरेस्ट ही नहीं था और मुझे देखना भी नहीं था, क्योंकि मुझे सारी ही चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी। मतलब आपको क्या होता है ना, अगर कुछ पता होता है तो या तो आप डरे हुए होते हो या आप पॉजिटिव होते हो, मतलब आपको या तो दो ही चीज़ें होती है, या तो बहुत डर लगता है या तो डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो मेरे केस में ये था कि मैंने कोई वीडियो देखा ही नहीं था, मैंने कहा तुरंत से जो भी चीज़ें होंगी वो मैं टाइम टू टाइम एडजस्ट कर लूँगी। बट अभी क्या है, अभी विशु के टाइम में मुझे सारी ही चीज़ें पता चल चुकी हैं कि क्या क्या होता है। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, है ना विशु? हाँ। मम्मा डरी हुई है ना? हाँ, इधर आओ, इधर आओ। विशु का बर्थडे भी आने वाला है, बताओ विशु किसका बर्थडे आने वाला है? 27 को विशु का बर्थडे, आप सबको आना है, आप सबको विशु को विश कर रहे हैं। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ कि सारी ही चीज़ें कैसे होंगी, बट ये कुछ नहीं बोलते, कुछ तो बोलो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे मुझे पता है ना कि संभालना तो मैंने ही है, आप ले लो, आप बस बातें इनकी वॉइस ही, आप बस बातें करते रहो बस। सो अभी ना सिचुएशन मेरी ना बहुत ज्यादा, मैं इधर ही हूं, बैटरी चेंज कर दो, बैटरी डाउन होने वाली है। ओहो, हाँ अब देखा आया, मैं ही काम आऊंगा। मैं आप ही आओगे काम, और कौन आएगा, आप ही तो आते हो मेरे चोना जी पति। सो गाइस, बैटरी चेंज करके मिलते हैं अभी। सो अभी बैटरी, हेलो गाइस, विशु देखो हेलो गाइस भी बोलने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है ना, विशु 3 साल के होने वाले, तो उनकी एक्टिविटी भी चेंज हो गई है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि विशु के मुझे इस वाले मंथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ना अब क्या हो रहा है ना, जैसे कि हम सोते हैं तो मुझे ना लेफ्ट एंड राइट होने में प्रॉब्लम हो रही है, और खांसी जो हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। रात में दो दो पानी पियो, दो दो कोल्ड ड्रिंक पियो,
कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, जूस पियेंगे। और गाइस मेरा ना मौसमी का जूस पीने का बहुत मन हो रहा है, जो कि यहाँ नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से मैं रात को 2 से 3 बजे उठ जा रही हूँ, और जिस वजह से अश्मित जी भी परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उन्होंने उनकी खुद की तबीयत तो ख़राब हो ही रही है, साथ में मेरी भी हो रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है ना, उनके ऑफिस का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फैमिली आ जाएगी तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा मुझे भी। और नाइट का जो खाना है वो आप देख ही रहे होंगे व्लॉगिंग में कि अश्मित जी बना रहे हैं, क्योंकि अब ना नाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा पेन मेरे को महसूस हो रहा है। सो विशु जो थे वो मतलब 8 मंथ कंप्लीट होने के 10 दिन बाद आ गए थे, तो अभी भी मेरे को लगता है कि डिलीवरी मेरी जल्दी ही हो जाएगी। सो ये था मेरा आप लोगों के साथ एक बस, अभी तो आप बोल रहे थे 15 मिनट बात करनी है आपको, 5 मिनट कर रही हूँ सबसे ये कुछ भी होते देखा 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 सॉरी। और मैं तो जब खांसी नहीं बेटा ऐसा तुमने खांसी करती हूँ ना तो नीचे बैठो, बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और डॉक्टर आपको पता है विशु वाले ही हैं, जहाँ विशु हमारे हुए थे उसी उन्हीं डॉक्टर के पास मुझे जाना है। मुझे और यहाँ पे क्या है आप सोचोगे फैमिली मतलब कौन आएगा, उनकी फैमिली से कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो विशु बैठो अभी मम्मी को बात करने दो थोड़ा सा, है ना बेटा मम्मी को बात करने दो थोड़ा सा, कभी कभी तो बात करती है मम्मी, वैसे तो चुप रहती है सारे टाइम। सो फ्रेंड्स, अश्विनी जी की फैमिली से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी मम्मी ऑलरेडी आ चुके हैं, बट उनका क्या है ना, उनका बैठे रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। सो जो भी करेंगी मेरी मम्मी आके ही करेंगी, हरिद्वार वाली मम्मी, सो वो आने वाली है। चलो मुझे कुछ तो सुकून मिलेगा, तुम्हें मैं सुकून नहीं दूंगी, तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे। अरे मतलब ठीक है, कुछ तो सुकून मिलेगा यार, आपको पता है कोई भी आ जाए, अभी पता क्या है मम्मी भी आ जाएगी, पर पति का सपोर्ट तो होना अच्छी बात है ना, कि पति होते हैं साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। और वो विशु के टाइम पे अश्मित जी थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं चाहती हूँ कि ईशु के टाइम पे भी अश्मित जी हों। सो हमने नाम डिसाइड किया है या नहीं किया है, नाम हमारा ईशु ही रहेगा, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, हम उसको ईशु ही बोल के बुलाने वाले हैं। लड़का होगा तो ईशु बुलाओ। हाँ ईशु ही बुलाएंगे, मेरे लिए तो निकनेम ईशु ही रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड किया था विशु का नाम भी और ईशु का नाम भी। विशु का नाम पता है पहले क्या था, टुन्नू बोलते थे हम उसको, टुन्नू। जब विशु आए थे ना मेरे टमे में, तो मैंने नाम पहले ही रख दिया था टुन्नू, बट इन्होंने मुझे ना इतना डांटा कि टुन्नू नहीं बोलना है, नाम बिगड़ जाएगा, बट मैं उसको ईशु ही बोलने वाली हूँ। सो अभी तक हमने बेबी की शॉपिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं लिया है, मैं फ्रॉक्स देखती रहती हूँ, जैसे ही मैं प्रेस करने वाली होती हूँ ना बटन कि हाँ ये मंगा लेते हैं, बट फिर हाथ पीछे खींच लेती हूँ कि नहीं यार अभी नहीं मंगाती हूँ, आने देती हूँ पहले बेबी को फिर मंगाती हूँ। सो उसके लिए हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी लेके आएंगे। मैटरनिटी शूट भी हम करने वाले हैं, जिसके लिए हम गए थे फोटो शूट वाले के पास पता करने के लिए, सो वो भी होने वाला है, बेबी शावर भी होने वाला है। सो ये सारे वीडियोस भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए। और बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, थैंक यू, और कमेंट भी कर देना। बाय बाय।